जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, रिजल्ट आने के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है और दोस्तों आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और आप लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों जो छात्र चाहे लड़का हो या लड़की हो या फिर आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, किस किस को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर जाके अप्लाई करना है और दोस्तों इसका डेट आखिर कब निकलेगा और आपको कितना अमाउंट, कितना रुपीज मिलेगा और दोस्तों लड़की को कितना बार रुपया मिलेगा, एक बार या दो बार, और लड़का को दोस्तों कितना मिलेगा, एक बार या दो बार, और कौन से जाति को सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन से जाति को सबसे कम मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में, ताकि दोस्तों जैसे ही इस फॉर्म निकले, यानी कि ये फॉर्म जैसे ही निकलेगा दोस्तों, आप वहां जाकर के तुरंत अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको तुरंत डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmin. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. क्योंकि इसी तरह का पल पल की अपडेट स्कॉलरशिप को लेकर जो भी आपके लिए जरूरी होती है, इस चैनल पे आपको सबसे पहले कराई जाती है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों किसी का जानकारी के अभाव के कारण, कमी के कारण ये स्कॉलरशिप ना छूट जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपको स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आपको जाति, निवासी और आय तो लगेगा ही। अगर जाति दोस्तों 3 साल पुराना है तो आप नया जाति बनवा लीजिए, और दोस्तों आय और निवास आपको अपडेटेड यानी कि 2021 का ही चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको आधार कार्ड लगेगा, जो कि ओबीएसली आपके पास होगा। उसके बाद दोस्तों एक बैंक अकाउंट लगेगा, एक फोटो लगेगा, उसके बाद दोस्तों आपको सिग्नेचर लगेगा, और दोस्तों एक स्कूल का जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, वो भी लगेगा, और मार्कशीट जब निकल जाएगा दोस्तों आपको वो भी लगेगा। तो दोस्तों ये टोटल 6 से लेकर 7 डॉक्यूमेंट्स तक आपको लग सकता है। और जो जो निम्न जाति से है उसको जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल में है उसको नहीं भी लग सकता है खासकर जाति प्रमाण पत्र, लेकिन जो जो निम्न जाति के हैं उसको कंपलसरी लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं लड़कियों के बारे में कि उसको कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा। और दोस्तों एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो 2021 में इंटरमीडिएट परीक्षा दिए हैं और उन लोगों का रिजल्ट आ गया, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन है, उन्हीं को सिर्फ ये रुपया मिल सकता है। 2020 के छात्रों को ये रुपया बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों को ये जानकारी बता दिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लड़की को कितने बार रुपया मिलेगा और लड़का को कितने बार मिलेगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जो बालिग होता है, बालिग प्रोत्साहन योजना एक है, ठीक है। तो दोस्तों लड़कियों को जिसकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों को 10,000 अमाउंट जो है एक्स्ट्रा से मिलेगा। ये उसको अपने कॉलेज में जाकर के, यानी कि जहाँ से आप इंटरमीडिएट की तैयारी किए थे, जहाँ पर आप 12 में थे, जहाँ पर आपका एडमिशन 12 में था, वहाँ से आपको पता करना होगा कि हम लोगों को 10,000 रुपये कैसे मिलेगा। तो लड़कियों को, क्योंकि वो विवाह नहीं करती है, जिसकी शादी नहीं होती है, उन लोगों को 10,000 रुपये जो है वहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लड़कियों को 15,000 रुपये जो है वो फर्स्ट डिवीजन वाले को वो स्कूल के तरफ से ही मिलेगा, ठीक है। तो लड़कियों को 2 बार रुपया मिलेगा, एक बार 15,000 जो कि प्रोजेक्ट यानी कि जहां से आप पढ़ाई किए हैं, ये मैं छात्राओं के लिए बता रहा हूं, ठीक है, और 10,000 अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 10,000 यानी कि टोटल 25,000 वहां से मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं लड़का और लड़की दोनों के बारे में कि उन लोगों को ये जनरल रुपया जो कि सभी को मिलता है, लड़कियों को वो दोनों अमाउंट जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। अब दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि लड़कों के बारे में बात की जा रही है कि आप लोगों का जो अमाउंट है, यानी कि पिछले बार 2020 में, 2019 में, 2018 में, यानी कि 2021 से पहले दोस्तों कभी भी लड़कों को कोई भी रुपया नहीं दिया गया है, खास करके स्कूल की तरफ से। लेकिन दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया था, खुद 2020 में अनाउंसमेंट किया था कि 2021 से जो भी परीक्षा देंगे उन लोगों को 15,000 रुपये मिलेगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले को। वहीं पे दोस्तों लड़कियों के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट डिवीजन करता है उन लोगों को तो 15,000 मिलता ही है। और दोस्तों चाहे आप फर्स्ट डिवीजन करें, खास करके छात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में,
चाहे आप फर्स्ट डिवीजन करें, सेकंड डिवीजन करें, थर्ड डिवीजन करें, आप लोगों को 10,000 जो कि बालिका विवाह नहीं होने के कारण मिलता है वो तो आप लोगों को मिलेगा ही। बाकी फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा तभी आप लोगों को स्कूल की तरफ से 15,000 मिलेगा, अगर सेकंड डिवीजन है तो 10,000। उसी तरह दोस्तों लड़कों को भी 15,000 और 10,000 मिलेगा। अब दोस्तों एक दूसरा अमाउंट जो कि ई कल्याण के दौरान मिलता है, आप लोगों को मालूम होगा ई कल्याण में दोस्तों पिछले बार से ये नियम लागू किया गया है कि स्कूल में भी मिलने का एक अलग प्रोसेस है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है ई कल्याण, सिर्फ आप ई कल्याण दोस्तों गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना होगा स्कॉलरशिप के बारे में, 12 के बारे में, और दोस्तों जितना दस्तावेज यानी कि जितना डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताया ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो भी अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा। और लड़कों के बारे में बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 15,000 तो मिलेगा ही, और दोस्तों अगर आप सेकंड डिवीजन है तो 10,000, और वहीं पे दोस्तों थर्ड डिवीजन है तो आपको वहां से रुपया नहीं मिलेगा, आपको दोस्तों ई कल्याण से, यानी कि ये तो सभी को करना है, ठीक है, ये जो है सभी को करना है, ई कल्याण वेबसाइट पे जाना है, वहां पर दोस्तों आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको हो सकता है 8,000 मिनिमम अमाउंट मिले जो कि थर्ड डिवीजन की है, लेकिन वहीं पे फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन को 15,000 और 10,000 मिलेगा लड़का लड़की दोनों को, और लड़की को दोस्तों एक्स्ट्रा जो कि बालिका विवाह नहीं होने के कारण 10,000 मिलेगा। और दोस्तों एक स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए जो कि आप लोग जानते होंगे, आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा, ठीक है, वो 6,000 करके हर बार मिलता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के पश्चात दोस्तों उसका डेट जो है अभी नहीं निकला है, उसका डेट अप्रैल में तो नहीं, मई या जून में निकलेगा। जैसे ही निकलेगा दोस्तों आपको चैनल पे पल पल की अपडेट मिलेगी स्कॉलरशिप को लेकर, ताकि दोस्तों एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों का 25,000, 10,000, 5,000 जितना भी अमाउंट है ये ना छूटे, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में एक छोटी सी भी रुपया यानी कि एक बहुत कम अमाउंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक रुपया भी बहुत महत्व रखता है स्कॉलरशिप में, यानी कि दोस्तों आपका स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी स्कॉलरशिप का डेट निकलता है, अप्लाई करने का निकलता है, जो भी निकलता है, इस चैनल पर दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगा, आपको लाइव बताया जाएगा, प्रूफ के साथ अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि छोटी गलती की वजह से उसका ये स्कॉलरशिप ना छूट जाए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों बहुत कुछ जानकारी नहीं होता इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नया ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।